आप लोगों तक अपनी बात, अपने विचार कितने पहुंचा पाए हैं, वो जनता के हाथों में है। वहां से आगे की जर्नी यार, मैं उस पर आई कांट पास माई जजमेंट की कितना ठीक था कितना नहीं ठीक था, पर मेरी दिली इच्छा ये थी कि एटलीस्ट वो टॉप थ्री में तो मैं उसको हमेशा से देखती थी। जी, सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आपके अपने आप की खुशी में शामिल होते हैं। और अभिनव ने सरप्राइज रखा था मेरे लिए घर पर, आई मीन वो मुझे नहीं पता था कि बॉस लेडी इतना इतना चर्चित चीज बाहर हो चुकी है। सो वो मैंने देखा एंड घर पे पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने एक शानदार सा मेरा स्वागत किया, फिर दोस्तों ने इतने अच्छे से मेरा वेलकम किया। सो इट जस्ट फील्स नाइस दैट यू हैव पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन। और अली को लेकर क्या कुछ कहेंगे रुबीना? अली फोर्थ पोजीशन पर आए, क्या वो डिजर्व करते थे फोर्थ पोजीशन पर, क्योंकि उनको हर किसी को उम्मीद थी कि टॉप थ्री में उनको होना चाहिए था। यस यस, मैं इनफैक्ट उसको टॉप टू में देख रही थी। सी फिनाले तक पहुंचना हम सबकी मेहनत और लगन का मतलब इट्स जस्ट ऑन आवर शोल्डर्स। अब वहां से ट्रॉफी तक जीतना मुझे ऐसा लगता है किस्मत का खेल है। आप लोगों तक अपनी बात, अपने विचार कितने पहुंचा पाए हैं, वो जनता के हाथों में है। वहां से आगे की जर्नी यार, मैं उस पर आई कांट पास माई जजमेंट की कितना ठीक था कितना नहीं ठीक था, पर मेरी दिली इच्छा ये थी कि एटलीस्ट वो टॉप थ्री में तो मैं उसको हमेशा से देखती थी। सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आपके अपने आपकी खुशी में शामिल होते हैं। और अभिनव ने सरप्राइज रखा था मेरे लिए घर पर, आई मीन वो मुझे नहीं पता था कि बॉस लेडी इतना इतना चर्चित चीज बाहर हो चुकी है। सो वो मैंने देखा एंड घर पे पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने एक शानदार सा मेरा स्वागत किया, फिर दोस्तों ने इतने अच्छे से मेरा वेलकम किया। सो इट जस्ट फील्स नाइस दैट यू हैव पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन। और मेरा ये मानना है कि जिंदगी में आप सब कुछ कमा लोगे, लेकिन अच्छे लोग और सच्चे लोग कमाना बहुत मेहनत की काम होता है, एंड आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट। वाओ वाओ रुबीना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी क्वेश्चन था मेरा आपसे, अब किन किन से दोस्ती रखेंगी आगे, और किन से किन के तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखना चाहेंगी आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मैंने लाइफ में इतना समय एक साथ हां कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं बिताया है, मतलब 140 डेज और लाइक यू नो सो मेनी वीक्स टुगेदर आप दोस्तों के साथ भी नहीं बिताते उतना समय। आप दोस्तों को यू नो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार मिलते हो, पर एक साथ इतने लंबे समय तक एक छत के नीचे रहना आई डोंट थिंक सो नॉर्मली आपकी जिंदगी में होता है, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर पार्टनर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब आप इन लोगों के साथ इतना लंबे समय बिता देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को ना देखने वाला फीलिंग नहीं आता है। मन मुटाव होते हैं, आप एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की शक्ल ना देखना चाहो। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने अपना हर मन मुटाव, अपना हर जो कहते हैं ना दिल दुखाने वाला विचार, जो मेरा दिल दुखा है कभी भी कोई भी वो चीज हुई है, मैं उसे पीछे छोड़ आई हूँ। अब नए सिरे से लोग मुझे बाहर मिलेंगे, मैं उन्हें एक नए सिरे से आई वुड यू नो वेलकम देम। अब उसके बाद वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, इट्स अप टू देम। एंड जैस्मिन, व्हाट अबाउट?